देखिए, ये हैं दही के कोफ्ते। आज हम लोग बनाते हैं दही के कोफ्ते। ये कैसे बनाते हैं आइए जान लेते हैं। दही के कोफ्ते बहुत ही आसान होता है, जो मुंह में जाते ही घुल जाता है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत डिलीशियस होता है फ्रेंड्स। इस तरह से दही के कोफ्ते बनाइएगा, आपके खाने की स्वाद चार गुना बढ़ जाएगा। आप एक दो रोटी की जगह चार रोटी खा जाइएगा। तो इस तरह से दही के कोफ्ते ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी होता है। तो आइए जान लेते हैं दही के कोफ्ते कैसे बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाते हैं दही के कोफ्ते। ये फ्रेंड्स हमने 5 से 7 घंटे कपड़े में बांध करके पूरी पानी से निचोड़ दिया है। इसे पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पूरा पानी निकाल दिया है, पनीर की तरह से बना दिया है। देखिए एकदम जैसे लग रहा है पनीर। इस तरह से 5 से 7 घंटे आप कपड़े में बांध करके इसे बनाने से पहले पूरी तरह से इसकी पानी निकाल लेना है। बेसन, अगर आपके पास चने का आटा है तो चने का आटा डाल सकते हैं, नहीं है तो बेसन को पोस्ट कर लीजिए धीमी आंच में पूरी तरह से। कच्चा बेसन मत डालिएगा, जब भी डालिएगा बेसन को फ्राई करके डालिएगा, हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा जिसमें से सौंधापन आ जाए, कच्चापन निकल जाए। तो ये सारे सामान, तो आइए इसको पहले हम लोग डो तैयार करते हैं। ये प्याज, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, अदरक अगर ज़्यादा, बेसन उतना ही डालेंगे जिससे अच्छे से डो बन के तैयार हो जाए। ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे क्योंकि दही का स्वाद फिर ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, भुना जीरा 1/2 चम्मच, काला नमक 1/2, और 1 चम्मच डालते हैं नमक। इसमें थोड़ा सा डालेंगे पनीर कद्दूकस करके, इससे अच्छे काफ़ी अच्छा डो तैयार होता है। अब हम लोग सारी चीज़ों को आपस में मिला लेते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा बेसन और पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच। हम 1 चम्मच और डाले थे, 1 चम्मच और डालेंगे। अब अच्छे से इसको डो तैयार कर लेते हैं। देखिए आराम से बाल इतना डो होना चाहिए कि आराम से बाल बन जाए। तो देखिए फ्रेंड्स ये डो तैयार हो गया है। और इसमें लेंगे थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स, ब्रेड को मिक्सी में पीस के ऐसे ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। हमने चढ़ा दिया, घी गर्म हो रहा है और हमारा सारा सामान तैयार है कोफ्ते बनाने के लिए, ग्रेवी के लिए। ये 5 काजू है, लहसुन है 7-8, हरी मिर्च है 1 इंच, अदरक का टुकड़ा है, टमाटर है 1 प्याज है। ये सारी चीज़ों को एक साथ हम लोग मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको तल लेते हैं। इसके बाल ऐसे उठाएंगे हाथ से या चम्मच से, जो जैसे भी आपको सुविधाजनक लगे, ऐसे हाथ से थोड़ा सा ऐसे घुमाते हुए ऐसे इसमें आराम से ऐसे ग्लास बाल बन के तैयार है। हाथ से थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे तो ये पूरा गोल बाल बन के तैयार हो जाएगा। अगर ऐसे कोफ खाना है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे चपटा कर दीजिए, कबाब के रूप में खाना है तो ऐसे बना लीजिए, अगर कोफ्ते में खाना है तो गोल कर लीजिए। तो हम इसमें कोफ्ता बना रहे हैं तो हम इसे गोल गोल बनाएंगे। तो देखिए फिर तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें से एक एक बाल उठाएंगे और पूरे अच्छे से इसको रफ करते हुए इसमें और इसमें डालते जाएंगे, हाथों से ऐसे घुमाते हुए गोल गोल करते हुए, और इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखेंगे इस वक्त, इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे। देखिए ऐसे करके हम लोग डालते जाएंगे, पूरे अच्छे से इस पर रैप कर देंगे। इस तरह सारा हम लोग डाल लेते हैं जितना आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स ये ऐसे धीरे धीरे इसको ऐसे हिलाएंगे, अगर कढ़ाई में ये नहीं है तो कपड़े से पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसे इसको, या ज़्यादा घी है तो आप हल्का हल्का ऐसे ऊपर से इसमें डालते रहेंगे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। इसको अगर तुरंत आप छू देंगे तो टूट जाएगा। ऐसे ऐसे घी एक साइड से ब्राउन हो, दूसरे साइड से पलट के इसको जैसे ब्राउन ब्राउन तल लेंगे। देखिए इस तरह से तैयार हो गया है हमारा दो, इसी तरह से सारा तल लेते हैं। देखिए कुछ तैयार हो गए, इस तरह से प्लेट में पेपर लिख के डाल के इस पर हम लोग ऐसे निकाल लेंगे जो तैयार हो गए। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सारे बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने बना के सारे निकाल लिए, अब इसी कढ़ाई में तेल निकाल कर मसाले को तड़का लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स उसी कढ़ाई को मैंने साफ करके तेल ले लिया, अब इसमें डालेंगे तेल गर्म हो जाए जीरा, कड़ा जीरा गर्म हो चुका है, तो जीरा और एक छोटी सी दालचीनी, एक तेज पत्ता, थोड़ा सा वही जो पटकटा हुआ प्याज था वो डालेंगे, थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। फिर जो हमने मसाले तैयार किए हैं उसको डालेंगे। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, जिसे पास्ते में खाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है। या तो आप ऐसे ही कबाब के रूप में भी खाइए या कोफ्ता ग्रेवी लगा के कोफ्ता बना लीजिए, तो दोनों काम आप कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अगर कोफ्ता पसंद हो तो कोफ्ते की तरह खाइए, ग्रेवी लगा के खाना है तो ग्रेवी लगा के खाइए। लेकिन मानी फ्रेंड्स इतना टेस्टी होता है ना, मुँह में जाते ही घुल जाएगा, बहुत टेस्टी होता है। तो प्याज देखिए ब्राउन हो चुका है, अब इसमें मसाले को डाल देते हैं। मसाले को तब तक भूनेंगे
जब तक कि मसाले का तेल अलग ना हो जाए। देखिए ये भून चुका है, तेल अलग हो चुका है। अब इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले, जैसे हुआ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्चा पाउडर, इस तरह से सारे डाल देंगे। थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर। अब इसमें नमक डाल देंगे, नमक हमने उसमें भी डाला है इसलिए नमक उसी हिसाब से डालेंगे। आधा चम्मच डाल देंगे, मसाले को अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि तेल अलग ना हो जाए। तो मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मसाले एकदम भून चुके हैं, तेल एकदम मसालों से अलग हो गया है। अब इसमें डालते हैं पानी। पानी अपने हिसाब से, जो ग्रेवी जितनी रखनी हो उसी हिसाब से डालिएगा। तो हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला है, मुश्किल से समझ लिए एक कटोरी पानी है, ये एक से डेढ़ कटोरी होगा। अब इसको खोलने देते हैं, जब ये खोल जाएगा तब इसमें कोफ्ते डालेंगे, डाल के तुरंत सर्व करेंगे। और इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं गरम मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, और इसको खोलने देते हैं, ढक देते हैं, उसको खोलने देते हैं। तो देखिए ग्रेवी पक के तैयार हो चुका है। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच चीनी, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। चीनी ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स, बहुत। अब जब चीनी डाल के बना के देखिएगा ना तो पता चलेगा, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। खट्टी मिट्टी से इतनी अच्छी स्वाद इसकी आती है, क्योंकि दही थोड़ी खट्टी होती है ना। दही कभी भी मतलब तुरंत का नहीं बनाते हैं, हमेशा दही एक दो दिन पुरानी बनाते हैं, क्योंकि उसमें खट्टापन होना ज़रूरी है और वो खट्टा होता है। और मसाले जब हल्की सी खट्टी मिट्टी रहेंगे ना बहुत टेस्टी होता है। इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। मसाले तैयार हो गए, कोफ्ते काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जब भी सर्व करना हो तभी इसको यूज़ करिएगा, नहीं तो ये एकदम उसी में गल जाएंगे। कोफ्ते ऐसे रख लेते हैं, ऊपर से ग्रेवी डाल लेंगे। देखिए ऐसे ऊपर से ग्रेवी हम लोग डाल लेंगे। तो इस तरह से डाल के पूरा दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, बन के तैयार है कोफ्ते। इस तरह से बनाइए फ्रेंड्स कोफ्ते, जो मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, दही के कोफ्ते। इस तरह से बनाइएगा और खाइए अपने पूरे परिवार के साथ, इसके लुत्फ उठाइए। देखिए कितना सॉफ्ट बना है, आपको मैं काट के दिखाती हूँ, एक प्लेट में काट के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स कितने सॉफ्ट बने हुए, देखिए मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, इतने सॉफ्ट कोफ्ते। इस तरह से बनाइए फ्रेंड्स, ज़रूर बनाइएगा और अपने पूरे परिवार के साथ ये मज़ा लीजिएगा। किसी के भी साथ चावल, दाल, रोटी, सब्जी, पराठे, पूड़ी, किस हर चीज़ के साथ दही के कोफ्ते इस तरह से बनाइएगा तो आप भी कहोगे वाह, पहले क्यों नहीं पता था। तो इस तरह से ज़रूर बनाइए मेरे कहने से, अपने पूरे परिवार के साथ इसके मज़े लीजिएगा। वीडियो पसंद है फ्रेंड्स, लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।